गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप दिवाकर है और हम आज फोर्थ वीडियो बना रहे हैं जो फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में है। दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही आवश्यक है जानना, क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं होता कि पैसों का किस प्रकार से यूज़ करा जाए। उनके पास लाखों रुपये आते हैं लेकिन वो फिर भी वापस गरीब हो जाते हैं। कई लोगों के पास बहुत अच्छा पैसा आता है लेकिन फिर भी वो कर्ज में फंसे रहते हैं। कई लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होते हुए भी कुछ ही दिनों में वो पूरी तरीके से अपनी आर्थिक स्थिति ख़राब कर देते हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन अच्छी नहीं होती है। क्योंकि बच्चों को स्कूल में ये तो सिखाया जाता है कि आप अच्छे नंबर लाओ, नौकरी पर लग जाओ, लेकिन स्कूल्स में कभी भी ये नहीं सिखाया जाता कि फाइनेंशियल एजुकेशन किस प्रकार से ली जाए। तो फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है आपके लिए, और मैं बार बार इस टॉपिक पे वीडियोस डालता रहता हूँ। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है और फाइनेंशियल विजडम यानी वित्तीय बुद्धि क्या होती है। तो फाइनेंशियल वित्तीय साक्षरता वो चीज़ होती है जो आपको अंकों को पढ़ने की नॉलेज देती है। अंकों को पढ़ने की नॉलेज का क्या मतलब है कि किस प्रकार से आपका धन प्रवाहित हो रहा है, यानी धन प्रवाहित होने की दिशा को अंकों में पढ़ने की जो क्षमता होती है उसका हम वित्तीय साक्षरता बोलते हैं। यानी आप आपके जो धन है वो किस तरफ प्रवाहित हो रहा है। अगर धन आपके जेब के अंदर जा रहा है इसका मतलब आप संपत्तियाँ बना रहे हैं, और अगर आप धन आपकी जेब से बाहर जा रहे हैं तो उसका मतलब आप समझ लीजिए कि आप दायित्व बना रहे हैं। और संपत्तियाँ वो चीज़ होती है जो आपको अमीर बनाती हैं, और दायित्व वो चीज़ होती है जो आपको गरीब बनाते हैं। तो हमेशा आपको संपत्तियाँ बनाने पर ध्यान देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका धन, जो आपके पास धन है वो किस तरफ प्रवाहित हो रहा है, ये जानना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर धन आपकी जेब के अंदर जा रहा है तो आप संपत्तियाँ बना रहे हैं और आप वित्तीय रूप से बहुत अच्छा साक्षर हैं, लेकिन अगर धन आपके जेब से बाहर जा रहा है तो आप वित्तीय रूप से साक्षर बहुत कम है। तो आपको वित्तीय रूप से साक्षर होने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि वित्तीय बुद्धि क्या होती है। वित्तीय बुद्धि क्या होती है कि आपका जो आप मेहनत करते हैं, जो भी आप मेहनत करते हैं रोज पैसे कमाने के लिए, उसको जो भी आप मेहनत करते हैं उसको पैसों में कन्वर्ट करने की क्षमता। जैसे आप अगर कहीं पर काम करने जाते हैं तो ऑफिस में आप काम करते हैं उसके बदले में आपको पैसे मिलता है, या फिर आप किसी के लिए कुछ काम करते हैं उसके लिए आपको कुछ पैसा मिल रहा है, आप किसी को कोई सलाह भी दे रहे हैं तो भी आपको पैसा मिल रहा है, यानी अगर आप किसी चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हैं तब आपको पैसा मिल रहा है। दोस्तों, कई मौक़ों पर हम मार्केटिंग करते हैं, जैसे आप समझ लो कि आपको किसी ने पूछा कि बाइक कौन सी अच्छी है, तो आप उसको झट से क्या बोलोगे कि बाइक तो भैया आप होंडा के ले लीजिए और शाइन ले लीजिए, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपने शाइन की मार्केटिंग कर दी, लेकिन उस मार्केटिंग के लिए, उस सलाह देने के लिए आपको एक रुपया भी नहीं मिला। इसी प्रकार से आपको पूछें कि आपके ज़िले में सबसे अच्छा टेलर कौन है, तो आप फ्री में उसको सलाह दे देंगे, लेकिन उस केस में आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन उसको आप पैसों में, धन में परिवर्तित नहीं कर पा रहे। उस मार्केटिंग की वजह से आपके घर में धन नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पर वित्तीय रूप से साक्षर नहीं हैं और आपकी वित्तीय बुद्धि भी काम नहीं कर रही है। तो वित्तीय बुद्धि क्या होती है? जो आप काम कर रहे हैं उसकी वजह से आपके पास पैसे आए तो आप वित्तीय रूप से बहुत अच्छी बुद्धि है आपके पास, और अगर आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं तो आप वित्तीय रूप से साक्षर नहीं हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको अगली वीडियो में और जानकारियाँ दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।